हेलो स्टूडेंट्स, सो आपको पता है कि आज जो है सीबीएसई की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 23 जून को, जिसमें सीबीएसई ने अपनी एक रिपोर्ट जो है दाखिल कर दी है। सो इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो सीबीएसई ने कही हैं एग्ज़ाम को लेकर, वो मैं आज आपको बताऊंगी। जिसमें उसमें उसने बोला है कि 12वीं की परीक्षाएँ जो हैं उसको टाल नहीं सकते, उसको रद्द जरूर कर सकते हैं, यानी कि उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, बट उसको स्थगित करना, उसको हटाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो न्यूज़ है वो आज तक में आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं साफ साफ आज तक की 1 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है कि सीबीएसई ने एससी को कहा है कि 12वीं की परीक्षाएं जो है वो टाल नहीं सकते, रद्द नहीं कर सकते, टाल सकते हैं रद्द नहीं कर सकते। तो इस रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो है आपको पता है रेगुलर मीटिंग जो है सीबीएसई की हो रही थी, जिसमें इन परीक्षाओं को टालने की सहमति जो है बन गई है। 1 से 15 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसमें इन्हें टालने की सहमति बन गई है, और असेसमेंट के बेसिस पर, यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूलों में हुए हैं उसके बेसिस पर जो है उसके बेसिस पर रिजल्ट तैयार करने की सहमति जो है बन गई है। तो परीक्षा की तारीख, यहाँ पे 12वीं की परीक्षाओं की तारीख जो है उसको टालने की, आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। जब ये कोरोना के संक्रमण जो है ज़ीरो हो जाएंगे तब सोचा जा रहा है कि इन एग्ज़ाम को कर पाएँ, क्योंकि साफ साफ बोर्ड के बैठक जो हुई थी उनमें जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि 10वीं की कक्षाओं का तो असेसमेंट रिजल्ट तैयार करना आसान है, 10वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरनल असेसमेंट पर हम रिजल्ट जो है तैयार कर सकते हैं, लेकिन 12वीं की कक्षाओं के बच्चों का रिजल्ट तैयार करना मुश्किल होगा असेसमेंट के बेसिस पर, क्योंकि 12वीं के जो बच्चे होते हैं उसके बाद उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलता है, IIT में एडमिशन मिलता है, या फिर कुछ बच्चे मेडिकल की तरफ जाते हैं। सो इससे जो होना चाहते हैं उनका जो है असेसमेंट कर पाना मुश्किल होगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, क्योंकि आपको पता है 12वीं में काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड की तैयारियों पर अपना पूरा ध्यान देते हैं, और वो कक्षाओं में यानी कि जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें वो पूरा ध्यान नहीं देते और क्लास टेस्ट को इग्नोर करते हैं, और बोर्ड की तैयारियों पर अपना पूरा ध्यान देते हैं कि जब फाइनल एग्जाम आएंगे हम अपना तब बेस्ट देंगे, और अभी की जो बीच में ये जो टेस्ट चलते रहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट चलते रहते हैं, उसमें वो इन चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और अपनी IIT और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारियों में लगे रहने के कारण वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है ज्वाइन करते हैं और उनकी क्लासों में ज़्यादा जाते हैं, उनके टेस्ट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद उन्हें इंजीनियर और मेडिकल की तरफ जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। इसलिए साफ साफ इस याचिका में जो सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी है उसमें साफ साफ ये बोला है कि इस टाइप के जो छात्र होते हैं उनका असेसमेंट कर पाना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि वो सारा समय अपना इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिताते हैं और क्लास टेस्ट पर जो है वो कम ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि दिल्ली और मुंबई जहाँ पे अधिक संक्रमण वाले शहर है उनको छोड़ दें, बाकी अन्य जगहों पर परीक्षा जो है करवाई जाए, यानी कि दिल्ली और मुंबई जो है काफ़ी ज़्यादा कोरोना के रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, तो वहां पे परीक्षाएं जो है अभी नहीं करवाई जाए, वहां पे जब हालात सुधर जाए अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो तब वहां पे जो है परीक्षाएं करवाई जाए, बाकी अन्य जो राज्य हैं जहां पर इतना कोरोना नहीं फैला हुआ है तो वहां पे सीबीएसई की परीक्षाएं जो है करवाई जाए, ऐसा उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पे अपनी मोहर नहीं लगाई है, उन्होंने अभी तक ये डिसीजन पेंडिंग रखा है, ये सब चीजें जो है कोर्ट में चल रही हैं, आज तक पर ये जो न्यूज है वो आई है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है। सो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर पहुंचाए, अपने कमेंट्स शेयर करके हम तक ज़रूर पहुंचाए, और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखे चैनल को आगे आने वाली और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।